किस्सा कुछ यूं है कि एक बार फैज साहब को हिंदुस्तान आना था, तो जब उनकी उनकी बेगम को ये बात पता चली तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि अपेरेंटली वो दिलीप साहब की बहुत बड़ी फैन थी। तो उन्होंने फैज साहब से कहा कि आप हिंदुस्तान जा रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो क्या आपकी मुलाकात दिलीप साहब से भी होगी? तो फैज ने कहा हाँ हो सकता है कि उनसे मुलाकात हो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको मेरे लिए उनका एक ऑटोग्राफ लाना याद रहेगा। तो बोला अब जैसे कि पूजा ने बताया कि फैज साहब को तो याददाश्त का प्रॉब्लम था ही, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं मिलूंगा और मुझे याद रहेगा तो मैं जरूर उनका ऑटोग्राफ तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तो फैज साहब हिंदुस्तान आए और दिलीप साहब से भी उनकी मुलाकात हो गई और फिर वो वापस पाकिस्तान लौट गए। तो जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उनकी बेगम ने पकड़ लिया और कहा कि आप दिलीप साहब से मिले थे? उन्होंने बोला हाँ मैं दिलीप साहब से मिला था, तो मेरे लिए उनका ऑटोग्राफ लाना आपको याद रहा? बोले हाँ ऑटोग्राफ लाना तो याद था मुझे। तो क्या आप ऑटोग्राफ लाए? बोले नहीं। अभी बात सुन के वो बड़ी उनसे खफा और नाराज हो गई। तो फैज साहब ने उन्हें समझाते हुए कहा कि बेगम जब हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और जब एक दूसरे से मिले तो मेरा ऑटोग्राफ मांग बैठे, अब भला जब वो मेरा ऑटोग्राफ मांग रहे थे तो मैं उनका ऑटोग्राफ कैसे ले सकता था। तो इतनी बड़ी मकबूल शख्सियत थे वो, उनके मुरीद जितने पाकिस्तान में हैं उतने ही मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी हैं उनके फैंस, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ। तो एक उनकी गजल है जिसका उन्वान है हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है। ये गजल उन्होंने 9 मार्च 1954 को रावलपिंडी के मोंटा मेट्री कारावास में लिखी थी। पैसा आपने अपनी जिंदगी का काफी अरसा जो है वो जेल में ही गुजारा, काफी वक्त वो जेल में रहे और उनकी कलम खामोश नहीं रही, वो बोलती रही जेल के पीछे से भी। एक वक्त तो यूं आया कि उन्हें अखबार भी पढ़ने नहीं दिया गया वहां पर जेल में, उनसे कलम भी छीन ली गई, उनसे किताबें भी उनकी ले ली गई। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि मताए लौह कलम छीन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में बोली है उंगलियां मैंने। उनकी ये जो गजल जो मैं पढ़ने जा रही हूँ हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, बहुत उम्मीद से भरी हुई है, बहुत सकारात्मकता से भरी हुई है। आपको फैज बताते हैं कि हालात कुछ भी हो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बेहतर दिन जरूर आएंगे, अच्छे दिन का तो पता नहीं। हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है ये इकराम ही तो है। कहते हैं जिसपे तान कोई जुर्म तो नहीं, करते हैं जिसपे तान कोई जुर्म तो नहीं, शौके फजूल उल्फते नाकाम ही तो है। दिल मुद्दई के हर्फ मलामत से शाद है, दिल मुद्दई के हर्फ मलामत से शाद है, ऐ जान जा ये हर्फ तेरा नाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है। आखिर तो एक रोज करेगी नजर वफा, आखिर तो एक रोज करेगी नजर वफा, वो यार खुशकिसाल सरे बाम ही तो है। भीगी है रात फैज गजल इब्तिदा करो, भीगी है रात फैज गजल इब्तिदा करो, वक्त सरोद दर्द का हंगाम ही तो है। शुक्रिया।